जय श्री कृष्णा। आज बना रहे हैं दही वाली मसाला भिंडी। तो भिंडी को हमने इस तरह से लंबाई में कट कर लिया है। पैन में 2 चम्मच तेल डालकर ये भिंडी इसमें डाल देते हैं। हाफ टी स्पून इसमें नमक मिलाएंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसे ढककर पकने देते हैं। एक बाउल में 1/2 कटोरी दही लिया है। इस दही को पहले फेंट लिया है। अब इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर मिलाया है। इसे मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा पानी इसमें मिलाएंगे। ये दही का पेस्ट बनके तैयार है। भिंडी को एक बार हम चला देते हैं। ये मैंने 8 से 10 लहसुन की कलियां, 2 हरी मिर्च और 1/2 इंच अदरक के टुकड़े को बारीक कट कर लिया है। चॉपिंग बोर्ड पर इस तरह से रखकर और एक बेलन की सहायता से इसे हम क्रश करेंगे। बहुत बारीक तो इससे नहीं पिसेगा, लेकिन अच्छे से क्रश हो जाएगा। यदि घर में सिलवट्टा ना हो, इस तरह से काम चलाया जा सकता है। पेस्ट बन के तैयार है। अब भिंडी के अंदर हम एक इस तरह से पतले स्लाइस में कटा हुआ प्याज मिलाएंगे। इसे ढककर 2 मिनट और पका लेंगे। 2 मिनट बाद भिंडी और प्याज अच्छे से पक गए हैं। इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी पैन में 2 चम्मच तेल डालेंगे। अब इसमें जाएगा 1 टीस्पून जीरा और जो हमने अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट पीसा है वो इसमें मिलाएंगे और इसे थोड़ा भून लेंगे। ये पेस्ट अच्छे से भून गया है। अब इसमें हम दही वाला पेस्ट मिलाएंगे। अब इसे लगातार चलाते हुए भूनेंगे, इससे दही फटेगा नहीं। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी भी मिलाया है। वन टीस्पून इसमें नमक मिलाएंगे और 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला मिलाएंगे। तेल अच्छे से छोड़ दिया है मसाले ने। अब इसमें हम पकी हुई भिंडी मिक्स करेंगे। इसे ढककर हमने 2 मिनट और पका लिया है। लीजिए, तैयार है गर्मा गर्म दही वाली मसाला भिंडी। इस तरह से आप भी बनाइए, खाइए और खिलाइए। हरे धनिए से ऐसे गार्निश कर देते हैं। गैस की फ्लेम मैंने बंद कर दी है। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए राधे राधे।